हेलो फ्रेंड्स, प्रसन्न इस शिक्षा में आपका स्वागत है। आज से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है वर्ब। ओके, इसके साइड बाय साइड मेरा वो इंग्लिश वोकैबुलरी का भी क्लास चलेगा और उसके कंटिन्यूटी में ये ग्रामर का भी लेक्चर आज से स्टार्ट होता है। पहला लेक्चर वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता होगा वर्ब क्या होता है। वर्ब एक डूइंग वर्ड है, किसी भी कार्य के होने को दर्शाता है वर्ब। ओके, वर्ब को हम लोग कई टाइप्स में बांटते हैं या हम लोग उसके टाइप्स आगे पढ़ते हैं। टाइप्स में क्या क्या है वर्ब के? पहला तो है हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब इसे कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। अब इस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है मॉडल्स और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। और वर्ब का और एक टाइप क्या था? एक तो हेल्पिंग वर्ब था और दूसरा था मेन वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होते हैं जो कि दूसरे वर्ब्स के साथ यूज़ में लाते हैं, जो अन्य वर्ब के साथ यूज़ होते हैं उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। वो हेल्प करते हैं, दूसरे वर्ब्स को हेल्प करने में यूज़ आता है। और मेन वर्ब्स क्या होते हैं? मेन वर्ब्स में हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। जो मेन जो हमारा कोई भी सेंटेंस है उसका जो मेन वर्क हो रहा है उसके रूप में जो यूज़ हो रहा है वर्ब उसे कहते हैं मेन वर्ब। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेन वर्ब का एग्ज़ाम्पल जैसे कि नो, कम, ड्रॉ, है ना, यू कम हेयर, तुम यहाँ आओ, तो ये मेन वर्ब हो गया सेंटेंस का। यू ड्रॉ दिस पिक्चर, तो ड्रॉ तो क्या एक्चुअल वर्क हो गया जो वो कर रहा है। ओके, मेन वर्ब हो गया। अब हम लोग पहले तो ये मॉडल्स के बारे पढ़ते हैं। मॉडल्स का एग्जाम्पल क्या क्या होता है? मॉडल्स का एग्जाम्पल में होता है विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट टू, ये सारे मॉडल्स में आते हैं। ओके, मॉडल्स क्या हो गए? मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ में आते हैं। इसका यूज़ हम लोग मेन वर्ब की तरह नहीं करते हैं कभी, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ में आते हैं। और इसमें एक दो चीज़ें और याद रखने की है, जैसे नीड और डेयर। नीड और डेयर ये दो वर्ड्स हैं जो कि मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ये मॉडल और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड ये यूज़ टू जो है ये क्या करता है? ये मॉडल और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। ओके, ये एक नोट करने की बात है इसमें। नेक्स्ट था ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो था, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल बी, डू, हैव, ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कैसे यूज़ होते हैं, किस फॉर्म में यूज़ होते हैं? ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं। तो इसका फाइनली हम लोग एक बार और इसका रिवाइज कर लेते हैं। वर्ब के पहले तो दो पार्ट में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। पहला है हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और दूसरा है मेन वर्ब। ओके, मेन वर्ब हम लोग जो हमारा सेंटेंस है उसका मुख्य क्रिया के स्थान पर यूज़ करते हैं। और जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला है मॉडल्स और दूसरा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। जो मॉडल्स है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होता है और जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के फॉर्म में यूज होता है। ओके, अब इसमें एक बात और पढ़ने की है। इसमें जैसे मॉडल्स के बारे में एक चीज़ और मैं बता दूँ। मॉडल्स का एग्जांपल तो हमने पढ़ लिया था, कैन, कुड, मे, माइट। ओके, तो मॉडल्स का कुछ एग्जांपल मैं दे दूँ। जैसे शी कैन रन फास्ट, शी कैन रन फास्ट, तो यहाँ पे कैन क्या हो गया? मॉडल हो गया। और रन क्या हो गया? रन मेन वर्ब
जो मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रन, रन करना मेन काम हो रहा है। तो शी कैन रन फास्ट, रन मेन वर्ब हो गया और कैन क्या हो गया, कैन उसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसको रन को शो करने में हेल्प कर रहा है। शी कैन रन फास्ट, वो जल्दी दौड़ सकती है, ये दर्शाने के लिए काम में आ रहा है। ओके नेक्स्ट है यू शुड स्टडी साइंस। तो यहाँ पे मेन वर्ब हमारा क्या हो गया, यू शुड स्टडी साइंस, मेन वर्ब है स्टडी, स्टडी हमारा मेन काम हो रहा है यहाँ पे। और शुड क्या हो गया, शुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, उस मेन वर्ब के साथ लगा हुआ है, उसका हेल्पिंग वर्ब है वो शुड। शुड क्या हो गया हमारा, मॉडल हो गया। ओके इसके कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, जैसे कि आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, आई एम यूज्ड टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। ओके तो यहाँ पे क्या हो गया, जो यूज टू है यहाँ पे यूज टू एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, और एम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यूज टू को हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया ये, स्लीपिंग यहाँ पे मेन काम हो गया। ओके इसमें अब हम लोग कैन और कुड का यूज़ देखते हैं, कैन कहाँ यूज़ करते हैं, कुड को कहाँ यूज़ करते हैं। ओके कैन का यूज़ हम लोग करते हैं शक्ति, पावर, पावर शक्ति को दर्शाने के लिए, एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, किसी की योग्यता को दर्शाने के लिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्षमता, किसी चीज़ की क्या क्षमता है को अभिव्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन का एग्ज़ाम्पल ले लेते पहले, ही कैन लिफ्ट द सूटकेस, कोई एक बहुत हैवी सा सूटकेस है तो वो उसे वो राम, मान लीजिए राम उठा सकता है, तो राम कैन लिफ्ट द सूटकेस, वो उसकी पावर को दर्शाता है, उसकी योग्यता को दर्शाता है, इतनी उसमें पावर है, शक्ति है कि वो उस सूटकेस को उठा सकता है। ओके नेक्स्ट कुड, कुड का यूज़ कैसे करते हैं, कुड क्या शो करता है, पास्ट पावर, पास्ट एबिलिटी या पास्ट कैपेसिटी, मतलब भूतकाल, पास्ट मतलब क्या हो गया, भूतकाल, भूतकाल की शक्ति, योग्यता, समर्थता तो को दर्शाता है, तो उस समय हम लोग कुड यूज़ करते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया, तो ये क्या है, भूतकाल को दर्शा रहा है ना, कि कल मैं नहीं आ पाया, कल मैं इनकेपेबल था आने के लिए, मान लीजिए स्कूल आने के लिए या कोई मीटिंग है वहाँ अटेंड करने के लिए, वो इनकेपेबल था, वो कल नहीं आ पाया, असमर्थ था वो। ओके नेक्स्ट कैन का, कैन का यूज़ हम लोग बी पॉइंट में देखते हैं, परमिशन के लिए, कैन का प्रयोग परमिशन, परमिशन मतलब क्या हो गया, अनुमति देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यू कैन गो नाउ, तो अभी तुम्हें परमिशन देती हूँ मैं कि आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। ओके नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकते हो। ठीक है इसमें क्या होता है, परमिशन से रिलेटेड है कि वो परमिशन नहीं दे रहा है किसी को, उसके रूम एंटर करने का परमिशन नहीं दे रहा है, तो ऐसा परमिशन के रूप में या परमिशन देने या ना देने के रूप में यूज़ हो रहा है। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर सामने वाला पर्सन परमिशन देता है, अनुमति देता है, तो वो हेल्प करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, तो कैन आई हेल्प यू, ये भी परमिशन मांग रहा है। ओके नेक्स्ट कैन का क्या है, कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, सी पॉइंट में क्या है, कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या हो गया, सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, ये संभावना सबके साथ है, मिस्टेक किसी के साथ भी हो सकता है। ओके
एवरी वन कैन मेक अ मिस्टेक, किसी के साथ भी ये हो सकता है, ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया है. ओके, नेक्स्ट आर डी पॉइंट इज कुड. कुड कैन बी यूज्ड एज रिमोट पॉसिबिलिटी. कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है. इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट. ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, ये होने की संभावना है. एग्जैक्टली ये कन्फर्म्ड न्यूज़ नहीं है, ये हो सकता है. इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट. तो मान लो कोई मेट्रो ट्रेन में ट्रेन है, उसकी नहीं है सीट में कोई बैठा है, तो उसे कोई बोल रहा है कि हो सकता है तुम्हारे सीट के नीचे बॉम्ब हो. तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये एग्जैक्ट कोई सैद्धांतिक संभावना नहीं है कि होगी ही, ये चांसेस हो कि मान लो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी कोई कर रहा है इस टाइप का, तो वहाँ बॉम्ब रख दिया, तो ये पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी है ये. ओके, नेक्स्ट ई पॉइंट में क्या है, कैन का यूज़ हम लोग फ्रेंडली रिक्वेस्ट के फॉर्म में करते हैं. कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है. कैसे जगह किया जाता है, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है. इसका एग्जांपल लेते हैं, कैन आई टेक योर बाइक. मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास पूछने जाते हैं कि उसकी बाइक यूज़ करनी है आपकी, तो आप इसको फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड से कैन आई टेक योर बाइक. ओके, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. नेक्स्ट कुड है, कुड में क्या है, फॉर्मल रिक्वेस्ट. कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में, औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में कुड का यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल इसमें लेते हैं, कुड आई टॉक टू मिस्टर राम. मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आप फॉर्मल रिक्वेस्ट करेंगे ना उसके, मान लीजिए राम कोई बड़ा सीईओ है, तो उसकी जो पीए होती है उससे आप रिक्वेस्ट करोगे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर राम, कैन यू गिव मी अपॉइंटमेंट टू मीट हिम. ओके, सो हेयर यू आर डूइंग फॉर्मल रिक्वेस्ट. ओके, इसमें नेक्स्ट हमारा है यूज़ ऑफ मे माइट एंड मस्ट. इन तीन का यूज़ कैसे करते हैं, मे माइट और मस्ट का यूज़. ओके, मे का यूज़ हम लोग संभावना, मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, संभावना मतलब वही प्रोबेबिलिटी हो गया, इट मे रेन टू नाइट. तो कुछ आप इस टाइप का देख रहे हो, क्लाउड ब्लैकिश हो गया है, हवा चलने लगी है, तो आप इससे प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि इट मे रेन टू नाइट, मतलब बारिश होने की संभावना है आज रात. ओके, अब ये मे का क्या है, संभावना को दर्शा रहा है. ओके, नेक्स्ट मे का यूज़ कैसे कर रहे हैं हम लोग, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है. इच्छा, इच्छा को व्यक्त करने के लिए. ओके, इसका एग्जांपल लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग. हम लोग प्रे करते हैं ना किसी के लिए, मान लीजिए किसी का बर्थडे विश करते हैं हम लोग, है ना, बर्थडे विश करते हैं, तो उसे विश करते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरीके से उसे आशीर्वाद देते हैं एक तरीके से. तो ये आपकी इच्छा है कि वो लंबी आयु तक जिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, आप उसको आशीर्वाद दे रहे हो, मे यू लिव लॉन्ग. आपकी इच्छा को व्यक्त कर रहा है. नेक्स्ट मे का यूज़ कैसा हो रहा है, उद्देश्य के फॉर्म में. मे का यूज़ उद्देश्य का बोध होता है. ओके, इसका कैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसका है, वी ईट सो दैट वी मे लिव. इसका एग्जांपल, वी ईट सो दैट वी मे लिव. ओके, ये आपको, आप इसलिए खा रहे हो ताकि आपका पर्पस क्या है, ताकि आप लंबी आयु तक जिए, तो एक उद्देश्य है, खाने के पीछे आपका एक उद्देश्य है. ओके, नेक्स्ट मे का यूज़ क्या है, टू टेक परमिशन. मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने के लिए
प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। इसका एग्जांपल लीजिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। आप मान लीजिए कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप रूम में एंटर करने से पहले इंटरव्यूअर से परमिशन लेते हो, मे आई कम इन सर। ओके, आप उनसे निवेदन पूर्वक अनुमति मांगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज माइट। बी पॉइंट में माइट, माइट का यूज़ कहाँ हो रहा है? माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, मतलब कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। इसमें क्या हो गया, उसे पता है कि वो उसकी इंटेलिजेंस देख के, उसकी बुद्धिमत्ता देख के उसे बहुत कम होप है। आई डू नॉट हैव मच होप, ज़्यादा होप तो है नहीं, पर फिर भी वो एग्ज़ाम पास कर सकता है। ओके, और मे कब हो गया? मे का यूज़ मोर पॉसिबिलिटी, जहाँ ज़्यादा संभावना है वहाँ पे मे का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा मस्ट है। मस्ट का अगर संभावना बहुत अधिक हो तो हम लोग मस्ट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, ही स्टेज इन 5-star होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। तो ये तो बिल्कुल कन्फर्म्ड ही है ना, अगर कोई एक्सक्यूज मी कोई फिल्म स्टार है तो वो बहुत बड़े बड़े 5-star होटल्स में रह रहा है, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा है, तो ये बिल्कुल अधिक से अधिक इसकी संभावना है कि वो रिच ही है, तभी तो वो इतने लाविश लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है। ओके, इसमें एक चीज़ नोट करने की बात है कि कभी भी हमें मे और माइट के साथ पॉसिबली और लाइकली वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉसिबली और लाइकली वो भी उसी चीज़ को बता रहा है, मे और माइट के इक्विवेलेंट ही है, उसके जगह में यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लिखते हो वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपको क्या लिखना चाहिए था, वी मे कम टुमारो, ये सही होता, या फिर वी विल पॉसिबली कम टुमारो, ये भी सही होता। तो मे और पॉसिबली को आप अलग अलग सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, पर साथ में आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का नियर अबाउट मीनिंग सेम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शैल और विल का यूज़ कैसे करना है। शैल का प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई वी, इसके साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओके, शैल का यूज़ हम लोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और वी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और उसी जगह अगर विल हम लोग लेते हैं तो विल कहाँ यूज़ होता है, विल बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर वर्क के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम लोग विल का यूज़ करते हैं। और सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे हो गए। इसका एग्जांपल एक ले लीजिए, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विथ मी। तो यहाँ हमने आई के साथ क्या लगाया, शैल लगाया, फ्यूचर का बात कर रहे हैं, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो, कल जा सकता हूँ, एंड ही विल कम विथ मी, मी के साथ ही विल, ही के साथ विल लगाया है हमने, ही सेकंड थर्ड पर्सन के साथ हमने विल लगाया, ही विल कम विथ मी। ओके, पर इसमें एक चीज़ और नोट करने की बात है कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें अब भी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग ही होता है।
नेक्स्ट शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल यू, तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे कि ही शी इट दे के साथ यूज होता है। जैसे ऊपर हमने जो पढ़ा ना, इसमें जो कंडीशन है जस्ट इसका ऑपोजिट कंडीशन इसमें होगा। शैल को आप सेकेंड और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो और विल को फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। इसकी क्राइटेरिया क्या है? फॉर कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन, एडवाइस, इन कंडीशंस के लिए। ओके इसमें क्या कमांड मतलब क्या हो गया? आदेश देने के लिए, या फिर वादा, वादा शो करने के लिए, धमकी देने के लिए, दृढ़ संकल्प शो करने के लिए, या अनिवार्यता, या फिर किसी सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके पहला तो हो गया आदेश की बात हो गई, कमांड की बात हो गई। यू शैल लीव द रूम एट वंस। यू शैल, शैल के साथ, यू के साथ शैल लग रहा है। ओके यहाँ पे यू के साथ क्या लग रहा है? शैल लग रहा है। यू शैल लीव द रूम एट वंस, यहाँ पे कमांड की बात हो गई है। नेक्स्ट फिर जहाँ प्रॉमिस की बात हो गई, वादा निभाने की बात हो गई, यू शैल बी रिवार्डेड, आपको रिवार्ड दिया जाएगा। यू शैल बी रिवार्डेड। आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे। ओके कुछ भी हो मैं आपको हेल्प करूँगा। नेक्स्ट हो गया थ्रेट, थ्रेट या फिर धमकी। इसमें क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। तो यहाँ पे हमने क्या शैल यूज़ किया है ट्रेसपासर्स के साथ। ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेसपासर्स मतलब क्या होता है कि किसी वैसे पर्सन जो किसी और के लैंड में विदाउट परमिशन एंटर करता है तो उसे ट्रेसपासर्स कहते हैं। तो दे शैल बी प्रोसिक्यूटेड मतलब दे शैल बी पनिश्ड। इसका एक और एग्जाम्पल है आई विल पनिश यू। तो विल के साथ हम लोग आई के साथ विल लगा रहे हैं। आई विल पनिश यू, धमकी दे रहा है, ये थ्रेट दे रहा है। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन या फिर दृढ़ संकल्प। इसका हो गया आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। आई विल वर्क हार्ड, ये डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प ले रहा है कि आई विल वर्क हार्ड। तो इसमें आई के साथ विल लगा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है अनिवार्यता, कंपल्शन। इसका एग्जाम्पल हो गया यू शैल बी हेयर बिफोर 6 PM फॉर द मीटिंग। मीटिंग के लिए तुम 6 बजे से पहले यहाँ पे होने चाहिए, ये कंपल्शन है, उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे शैल के साथ, यू के साथ शैल लगाया गया है। ओके नेक्स्ट रूल सी, सी में देखते हैं। सी में क्या है? लेटर्स या फिर लेट्स। कोई भी सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, अगर लेटर्स से शुरू हो रहा है ओके तो उसमें शैल का प्रयोग, शैल का प्रयोग उसमें होता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं लेटर्स डांस टुगेदर, शैल वी। तो किसी से आप परमिशन लेते हो, किसी पार्टी में आप गए हो, किसी से पूछना है कि आप मेरे साथ डांस करोगे, तो आप क्या बोलोगे? लेट अस डांस टुगेदर, शैल वी, क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं? ओके नेक्स्ट इज डी। इसमें क्या है? शैल का प्रयोग सजेशन, सजेशन मतलब सुझाव को व्यक्त करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। शैल का फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे हम लोग सजेशन को व्यक्त कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? शैल बी वॉक टू द मैनेजमेंट, क्या हम लोग मैनेजमेंट के पास जाए अपने प्रॉब्लम्स लेके। तो यहाँ पे हम लोग शैल के साथ वी यूज़ कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट एक चीज, एक पॉइंट नोट करने के लिए है कि इफ़ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पास्ट टेंस
अगर पास्ट टेंस से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हम लोग वुड शुड वॉज का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज कमिंग. तो ये पास्ट में है तो हमने इसमें वॉज यूज़ किया. और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही होप दैट ही वुड पास द टेस्ट. ओके, नेक्स्ट इसमें है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल एक्शन या आइडम या फ्रेजेस का यूज़ करते हैं. ओके, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हम लोग इसमें यूज़ करते हैं हमेशा. इसका एग्जांपल लेते हैं, ही सेड दैट द सन इज़ अ स्टार. इसमें हम लोग हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो. ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं आइटम्स एंड फ्रेजेस का, आर टीचर टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इसमें भी हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर रहे हैं. नेक्स्ट इसमें पॉइंट ई है, इसमें क्या बता रहा है, अगर दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो और दूसरे कार्य पहले कार्य के होने पर निर्भर करे तो पहला कार्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर टेंस में. हमेशा ये रूल हमें याद रखना है, कोई भी दो कार्य अगर एक के बाद एक हो रहा है तो पहला जो वर्क हो रहा है फ्यूचर में उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेंगे और दूसरे को सिंपल फ्यूचर टेंस में लेंगे. इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे इफ़ आई कम, इसमें क्या हमने प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया. इफ़ आई कम आई विल मीट यू, ये फ्यूचर हो गया, आई विल मीट यू सिंपल फ्यूचर. इसमें एक और पॉइंट नोट करने की है कि निम्नलिखित शब्दों को देखें, इनमें तुरंत बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं होता है बल्कि हमेशा इसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. ये वर्ड्स क्या क्या हैं, इफ़, एज सून एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन. इन सब के साथ हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस इनके साथ यूज़ करेंगे. इसके तुरंत बाद कभी सिंपल फ्यूचर टेंस हमें यूज़ नहीं करना है. ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है. ये वर्ब का हमारा लेक्चर 1 था, इसके बाद कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट चैप्टर भी आएगा. आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें. थैंक यू.